जम्मू कश्मीर पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ है हमारे सैनिकों के ऊपर और उसमें हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, हम उनकी पुरजोर से निंदा करते हैं और उस शहीद परिवार के साथ हमारा देश खड़ा है। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख की घड़ी है कि इस तरह के हालात देश में पैदा हो रहे हैं। हमारे देश ने सैनिकों के सम्मान में मिल करके पाकिस्तान से बदला लेना चाहिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करना चाहिए। मैं पाकिस्तान के जो ये मामला घटा घटना घटी है कश्मीर में, हमारे जो ये सैनिक मारे गए हैं इन सैनिकों के प्रति, उनके सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारों के लिए ये मांग के दुआ करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि इनके परिवारों के लिए आर्थिक मदद की जाए। और यहाँ पर पाकिस्तान जो हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमें उससे जो है एक बार ये ढील नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारे आज कितने सैनिक पहले मार चुके हैं और आज मारे जा चुके हैं। और हम अपने देश के प्रति एक तरह अखंडता बनाए रखने के लिए, भाईचारा मजबूत कायम रखने के लिए अपील करते हैं। जैसे कि हम जम्मू कश्मीर में हमारे भारत के जवान 44 शहीद हुए हैं, मैं उनको उनके चरणों में अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान उनको उनके अपने चरणों में स्थान दें। और जो हमारे शहीद जवान जो घायल जवान हुए हैं, भगवान से प्रार्थना करता हूँ भगवान उनको स्वस्थ करे, उनके परिवार को इतनी साधना दे वो सहन शक्ति रखने की क्षमता दे। और सरकार से अपने मोदी जी से ये प्रार्थना करते हैं कि इसका मुँह तोड़ जवाब दें और आशा करते हैं सरकार इस पर बहुत अब ध्यान देगी। जो हमारे 44 सैनिक शहीद हुए हैं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ अपने चरणों में स्थान दें और उनके घर वालों को शक्ति प्रदान करें और घायल हुए सैनिकों की जल्दी से जल्दी ठीक होने की कामना करता हूँ। और इस हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा, जिस तरह से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया था उससे और कड़ा जवाब हम इस बार देंगे। एक कुकृत कार्य जो हुआ है इसके लिए हम भर्त्सना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई इसका बदला भारतीय जनता पार्टी अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जल्दी ही इसका बदला लेंगे। अपने भारत की सरकार से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। आज समय नहीं है कि हम किसी समय का इंतजार करें, बस केवल मोदी जी से एक ही जो उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसका जवाब दिया जाए। हम पुरजोर निंदा करते हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए और यदि सरकार की कोई मजबूरी रह सकती है तो सरकार इसकी जिम्मेदारी बजरंग दल को दे। और मैं ये कहता हूँ सिर्फ एक सप्ताह का टाइम दीजिए, पाकिस्तान के अंदर बसने वाले प्रत्येक आतंकवादी को निकाल निकाल करके मारा जाएगा और भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।